गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मनोरंजना शुक्ला आपकी संस्कृत टीचर। आज हम आपको पाठ 3 मित्रता पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, इसकी संस्कृत पढ़ते जाएंगे हम, हिंदी बताते जाएंगे, आप भी जैसे मैं बोलती जा रही हूँ रिपीट करते जाइए। उभयो हृदयो भावनाम मिलनम मैत्री मित्रता वैति कथ्येत, यानि दोनों हृदयों की भावनाओं को के मिलन को ही मित्रता या मैत्री कहते हैं। इदम शब्दम अति महत्वपूर्णम रहस्यमय गूढ़म अस्ति, इस शब्द का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण गहरा रहस्य है। वस्तुतः मैत्री बालनम खेलन नास्ति, यानी वास्तव में मित्रता बच्चों की खेलने की वस्तु नहीं है। यह मैत्री तो जीवने अति महत्वपूर्ण स्थान धारयति, यह मित्रता जो है जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान को धारण करती है। मित्रताये पदस्य जात्या धर्मस्य संप्रदायस्य च वदनम निरर्थक भवति, यानि मित्रता तो जो है जाति धर्म संप्रदाय का बंधन नहीं मानती है। इयम तो भावनानां मेलनम करयति, यह तो भावनाओं को मिलने से होती है। भारतवर्ष संस्कृतो तु मित्रता अमूल्य निधिमें गण्यते, भारतवर्ष की संस्कृति में मित्रता के अमूल्य खजाने की तरह धरोहर हमारे भारतवर्ष में है। मतलब मित्रता लोगों की इतनी गहरी थी कि आज भी हमारे भारत की संस्कृति में उनका अमूल्य उदाहरण देखने को मिलता है। बच्चों, इयम केनापि सह कस्यापि भवितु शक्नोति, यानी यह किसी से भी किसी के साथ हो सकती है। जैसे धनिका निर्धनस्य, यानी धनवान व्यक्ति की निर्धन से, विद्वान मूर्खस्य यानी विद्वान लोग की मूर्ख से, उच्च वर्ग वर्ग निम्न वर्ग से यानी उच्च वर्ग की निम्न वर्ग से, हिंदू मोहम्मदीयस्य सिखस्य वा मित्रं भवितुं शक्नोति, और हिंदू की मुस्लिम से सिख से मित्रता हो सकती है। यानी बच्चों, कहने का अर्थ यह है कि मित्रता में कोई जाति कोई धर्म कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं हो सकता है, क्योंकि मित्रता तो ये तो भावनाओं से होती है, तो किसी के साथ भी हो सकती है। अब आगे देखिए, त्रेता युगे भगवतः श्रीरामस्य मित्रता वानर राजेन सुग्रीवेण साक अवत, त्रेता युग में भगवान श्री राम की मित्रता वानरों के राजा सुग्रीव से हुई। अत्र दृश्यते यत मानवस्य मित्रं पुष्पपि भवितुं शक्नोति, और यह दृश्य जो है मानव और पशु के बीच में मित्रता दर्शाता है। द्वापर युगे द्वारकाधीशस्य भगवता श्री कृष्णस्य मैत्री अति दरिद्र सुदामा नामना ब्राह्मण सह इदम तथ्य सिद्ध्यसि यत धनिकस्य मित्र निर्धन अपि भवितुं शक्नोति। और द्वापर युग में द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की मित्रता सबसे दरिद्र ब्राह्मण सुदामा के साथ हुई थी, तो यह दृश्य धनिक और निर्धन के बीच में दर्शाता है। कलियुग वीर शिरोमणि महाराजस्य पृथ्वीराजस्य चौहान चंद्रवरदायिश का महाराष्ट्र केसरिणी वीर शिवाजी शिवभूषणेशाद महाराज कुरस्य महात्मनि वीरभलेन्शः मैत्री इतिहास सुप्रसिद्ध अस्ति, यानी कि कलियुग में वीर शिरोमणि महाराज पृथ्वीराज चौहान का चंद्रवरदायिश महाराष्ट्र के केसरी वीर शिवाजी से और भूषण के साथ महाराज अकबर का महात्मा वीर बल के साथ मित्रता इतिहास में दर्शाता है। एतानि च कतिपयानि एव उदाहरणानि सन्ति, ऐसे और भी कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। वस्तुतः मित्रता उदाहरण अस्मिन् देशे असंख्यानि सन्ति, यानी वास्तव में मित्रता के उदाहरण हमारे देश में असंख्य हैं, जिसकी कोई गिनती ना हो। संसारे रक्तस्य संबंधे अति दृढ़ मान्यते, संसार में रक्त का संबंध सबसे अधिक गहरा मानते हैं, यानी खून का संबंध बच्चों सबसे अधिक गहरा माना जाता है। किंतु भावनायां संबंध रक्त संभात अपि दृढ़ भवति, लेकिन भावना का संबंध
रक्त संबंध से भी अधिक मजबूत होता है। मित्रताया संबंध अपि भावनाया एव भवति, क्योंकि मित्रता का संबंध एक दूसरे की भावनाओं से होता है। वास्तुतः एक वास्तविकम मित्रम सतेभ्य मानवेवम अपि अधिकतरम सहायक सिद्ध भवति, यानी वास्तविक में मानव का एक दूसरे के प्रति सहायक सिद्ध होना ही मित्रता कहलाती है। स्वस्य मित्रस्य अल्पवति अल्प दुखम अपि वास्तविक सख पर्वतम इव मत्वा तस्य दुखस्य निवारण विषय चिंतयति, यानी सच्चा मित्र वही होता है जो अपने थोड़े से दुख को भूलकर अपने सखा के पर्वत के समान के दुख को दुख के लिए निवारण के लिए चिंता मग्न रहे। मतलब अपना थोड़ा सा भी जो यदि दुख है तो वो भी भूल जाए और अपने मित्र का जो पर्वत के समान दुख है उसकी मतलब उसके दूर करने के लिए उसके प्रति चिंता मग्न रहे। यावत मित्र दुखे अश दूरम न करोति तावत उदाग्नि भवति, और यानी सच्चा मित्र वही होता है जो मित्र की दुख को दूर कर पाए। अस्मिन् क्रमे वास्तविक सखा स्वपर्वतम सम दुखम अपि विस्मरति, सत्यता मित्रतस्य रजतुल्यम दुखम पर्वतम सभस्य पर्वतम दुखम रजमे मानम वास्तविक मित्राय लक्षण अस्ति, यानी अपने मित्र के दुख को बड़े से बड़े दुख को छोटा सा छोटा बना दे, मतलब पर्वत के समान को भी एक तिनका के समान समझे और उसके मित्र के दुख को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहे, वही वास्तविक मित्रता का लक्षण कहलाता है। यानी जो मित्रता के दुख में उसका साथ दे, उसके दुख का निवारण करे, वही सच्ची मित्रता का वास्तविक लक्षण कहलाता है। मित्रताया पूर्व में तस्य परीक्षा कर्तव्य एन मित्री करणिया, यानी मित्रता के पहले उसके बारे में परीक्षा कर लेनी चाहिए, यानी मित्रता करने के पहले ही उसके बारे में सब कुछ अच्छे से जान लेना चाहिए। एन केन पुरुषेण सह मैत्री कदापि न कर्तव्य, ऐसे हर एक पुरुष के साथ मित्रता नहीं कर लेनी चाहिए। यतो हि दृढ़चित्त गुणी यशोकामी नीति निपुण प्रियवादी हितकारी सदाचारी च जना एका वास्तविक सखा भवितु शक्नोति, यानी जो दृढ़ चित्त हो, गुणी हो, यश चाहने वाला हो, नीति निपुण हो, प्रिय बोलने वाला हो, हित चाहने वाला हो और सदाचारी हो, वही वास्तविक सखा हो सकता है। यानी बच्चों कहने का अर्थ यह है कि मित्रता करने के पूर्व उसके बारे में सब कुछ अच्छे से जान लेना चाहिए, है ना, तभी मित्रता करनी चाहिए। मित्रता का स्वभाव जान परख कर ही मित्रता करनी चाहिए, है ना। तो इसमें दिया गया है कि मित्रता के इतने लक्षण होने चाहिए, कौन कौन से, दृढ़चित्त हो, गुणी हो, यश चाहने वाला हो, नीति निपुण हो और प्रिय बोलने वाला हो और हित चाहने वाला हो और सदाचारी हो, ऐसा व्यक्ति ही वास्तविक मित्र बन सकता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसकी हिंदी आप मुझे लिखकर सेंड करेंगे। धन्यवाद।